फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप सिल्वर प्ले बटन अवार्ड के लिए उसे रिडीम कर सकते हैं। तो इसके लिए यूट्यूब की तरफ से दोस्तों आपको एक ईमेल भेजता है और साथ ही आपका studio.youtube.com का जो डैशबोर्ड है वहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन रिफ्लेक्ट होता है जहाँ पर आप दोस्तों अपना सिल्वर प्ले बटन अवार्ड को रिडीम कर सकते हैं। तो अगर आपने रिडीम कर लिया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अगला प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे दोस्तों आपको यूपीएस के द्वारा जो ट्रैकिंग आईडी आपको दिया जाएगा जिससे आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपका सिल्वर प्ले बटन का जो अवार्ड है वो कहां तक पहुंचा है। तो इसके लिए आपको एक केवाईसी करना होता है। तो केवाईसी आप कैसे कर सकते हैं और ये यूपीएस की तरफ से जो ईमेल आता है वो कब तक आता है ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं दोस्तों जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेते हैं अपने चैनल पर तो उनको बेसब्री से इंतजार रहता है, जैसे मुझे इंतजार है कि हमारा सिल्वर प्ले बटन कहां तक बना या हमारा सिल्वर प्ले बटन कब तक आएगा। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट से ही दोस्तों आज हमारे इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद हमें सिल्वर प्ले बटन अवार्ड दिया जा रहा है। ये सब आप सभी का प्यार और सपोर्ट से हो पाया है, तो इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम जानते हैं कि सिल्वर प्ले बटन का जो अवार्ड आपको दिया जा रहा है यूपीएस के द्वारा जो ईमेल भेजा गया है उसमें आपको केवाईसी कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आपका यूट्यूब चैनल का जो अवार्ड होगा जैसे ही आप उसे रिडीम कर लेते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि आपको 2 से 3 दिनों के अंदर में यूपीएस का ट्रैकिंग कोड आपको मिल जाएगा, या फिर दोस्तों अगर आपको 2 से 3 दिनों में नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना होगा। मुझे जो ईमेल आया है दोस्तों ये कम से कम 15-20 दिन के बाद आया है, तो हो सकता है कि आपको भी लेट लग सकता है। तो जैसे आप दोस्तों अपना सिल्वर प्ले बटन का रिडीम कर लेते हैं तो इसके बाद आपको इंतज़ार करना है, जैसे ही आपका जो सिल्वर प्ले बटन होगा वो वहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक यूपीएस के द्वारा ईमेल आता है। चलिए मैं सबसे पहले आपको वो ईमेल दिखा देता हूँ कि वो कौन सा ईमेल है और दोस्तों किस प्रकार का वो ईमेल आता है और आपको केवाईसी कैसे करना पड़ता है। इसी के साथ में दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने सिल्वर प्ले बटन को रिडीम कैसे करना है वो आपको जानना है, अगर आपको पता नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैं वीडियो का लिंक दिया हूँ, कम्प्लीट प्रोसेस बताया हूँ कि आप कैसे सिल्वर प्ले बटन के लिए रिडीम कर सकते हैं। कार से एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसमें आपका ट्रैकिंग नंबर भी रहेगा और साथ ही आपका जो एड्रेस है वो भी आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मुझे 2-4 घंटे के बाद फिर से एक मैसेज आया जिसमें बता रहा था कि आपको जो यूपीएस के द्वारा प्रोडक्ट भेजा जा रहा है इसके लिए आपको एक केवाईसी करना होगा और इसका एक ईमेल भी आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अपलोड केवाईसी डिटेल और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों केवाईसी डिटेल के लिए एक लिंक भी भेजा गया है और जो लिंक आपको भेजा जाएगा वो 24 घंटे के लिए ही वैलिड रहेगा। तो ध्यान रहे, जब भी आपको यूपीएस के द्वारा कोई ईमेल आता है या एसएमएस आता है तो उसको दोस्तों ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लीजिएगा और बताए गए अनुसार आपको प्रोसेस को करना होगा ताकि आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली सही से आप तक पहुंच पाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से वो मुझे मिला था ईमेल। उसके बाद आपको सिंपली कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, केवाईसी कर लेते हैं। उसके बाद सक्सेसफुली एक मैसेज भी आ जाता है कि आपका जो केवाईसी किया गया है वो अप्रूव कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। आपको जो एसएमएस में आया हुआ है लिंक उस पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर जो ईमेल में लिंक भेजा गया है केवाईसी के लिए उस पर क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये पेज जैसे ही आपको ओपन होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आपका केवाईसी डिटेल फॉर और उसके बाद आपका नाम और यहाँ पर दोस्तों आपको आपके मोबाइल नंबर पर और एक ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करके वेरीफाई एक्सेस पर क्लिक कर दीजिएगा। आप सिल्वर प्ले बटन जब रिडीम कर रहे थे उस समय जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसी नंबर पर आपको 1 टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भेजा जाएगा और आप जो ईमेल दिए हैं उसी ईमेल में आपको ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आप ओटीपी दे करके सबमिट करते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल का एक ऑप्शन मिल रहा है तो इस इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 स्टेप आएगा। पहला स्टेप में आप देख सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे दोस्तों जब आप सिल्वर प्ले बटन को जब आप रिडीम कर रहे थे उस समय जो एड्रेस आप लिखे हैं वो सारा एड्रेस आपका यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कुछ नहीं करना है, आपको इसे यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा।
जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टेप टू में आप देख सकते हैं फिर से आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, एक करना होगा फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों नीचे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिविजुअल पर सेलेक्ट जैसे करेंगे तो नीचे कुछ डॉक्यूमेंट का लिस्ट आ जाएगा, जैसे वोटर आईडी कार्ड, इसके अलावा देख सकते हैं वोटर आईडी कार्ड बैक साइड, उसके बाद फ्रंट साइड, इसके अलावा आप देख सकते हैं आधार कार्ड, आधार कार्ड बैक साइड, फ्रंट साइड, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पैन कार्ड। तो ध्यान देना है दोस्तों आपको दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा, आपको यहाँ पे पैन कार्ड और उसके बाद आधार कार्ड दोनों सेलेक्ट कर देना है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और सेलेक्ट करने के बाद नीचे दोस्तों आपको वो डिटेल लिखना है, आपको अपना आधार कार्ड के सामने आधार कार्ड नंबर लिखना है और पैन कार्ड के सामने आपको पैन कार्ड नंबर लिखना है। और जैसे दोस्तों आप लिखेंगे ये नंबर सही से आप लिखिएगा, मिला लीजिएगा, और उसके बाद थोड़ा सा राइट साइड में आएंगे तो एक ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये सारा जो है आपको अपलोड करना होगा। तो पैन कार्ड जो भी आप अपलोड करेंगे दोस्तों ध्यान रहे कि पैन कार्ड का जो आपका फोटो होगा बिल्कुल सही से एकदम क्लियरिटी, कोई भी किसी प्रकार का ब्लर ना हो। और आधार कार्ड को आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका आधार कार्ड PVC वाला साइज है तो दोनों साइज का फोटो ले लीजिएगा और एडिटिंग करके आप एक ही पेज में दोस्तों उसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपलोड कर दीजिएगा। तो आप फाइनली देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वो सारा चीज़ कर लिया है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो पैन कार्ड है, वो आधार कार्ड है, वो सारा हमने अपलोड कर लिया है। और उसके बाद नीचे आपको एक बॉक्स मिल रहा है दोस्तों, इस बॉक्स पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे दोस्तों इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट का आपको बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा और इस पॉपअप पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आप देख सकते हैं ये घूम रहा है। तो फाइनली आप देख सकते हैं लिखा हुआ है KYC डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड टू UPS। तो आपका जो KYC है इसके लिए सबमिट हो गया है, कुछ इस प्रकार से आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा देर आपको वेट करना है, उसके बाद आपको एक ईमेल भी आ जाएगा और उसके बाद आपको एक मैसेज भी आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप UPS का KYC कर सकते हैं ताकि आपका जो सिल्वर प्ले बटन का अवार्ड है वो आप तक सही से पहुंच सके। फाइनली आप सभी को पता चल गया है कि UPS ट्रैकिंग में आपको अपना KYC कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।